आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गृहमंत्री अमित शाह की कांग्रेस को खरी खरी, जितना चाहे विरोध करे, हम नागरिकता देकर ही दम लेंगे। मोदी का विपक्ष पर कटाक्ष, जो बच्चों को समझ आ गया वे राजनीतिक खेल खेलने वालों को समझ में नहीं आया। कांग्रेस के दो विधायक भी सीए के समर्थन में, लक्ष्मण के बाद जंग ने कहा इसमें बुराई क्या है। बिलासपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही, ठंड के कारण बेहोश हुए 11 छात्र छात्राएं। और भोपाल में रात में आगजनी की 3 वारदातें, कई वाहन और एक दफ्तर जलकर खाक। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जबलपुर में कांग्रेस को खरी खरी सुनाई और साफ कहा, कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, जितना विरोध करना है करो, हम सारे लोगों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में सीए पर भ्रम दूर करने के लिए रैली की, जहां उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस को दो टूक सुनाई। अमित शाह ने कहा कि आज सारे कांग्रेसी पूरे देश में सीए का विरोध कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था, राहुल गांधी आप महात्मा गांधी की भी नहीं सुनोगे, महात्मा गांधी को तो कब का आपने छोड़ दिया है। कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जितना विरोध करना है करो, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का है। वो भारत के बेटा बेटी हैं, वो हमारे भाई हैं। राहुल बाबा, आप महात्मा गांधी को भी नहीं सुनोगे, छोड़ दो महात्मा को तो कब का आपने छोड़ दिया, गांधी जी को कब का छोड़ दिया, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी और जो आने वाले हैं वो शरणार्थी के राहत, पुनर्वसन और नागरिकता के लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए हम तैयार। तो आज मैं बताने आया, मैं यहां से चैलेंज देता हूं ममता बनर्जी और राहुल बाबा को, ये सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दीजिए, इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का। मैं डंके की चोट पर आपके भरोसे पर कहता हूं, कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जितना विरोध करना है वो करो, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। अमित शाह ने कहा विपक्ष में बैठे लोग सीए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, मैं यहां चैलेंज करना चाहता हूं राहुल गांधी और ममता बनर्जी को कि सीए में किसी की नागरिकता वापस लेने का प्रावधान नहीं लिखा गया है। आसपास के देशों में अल्पसंख्यकों का भारत स्वागत करेगा और उन्हें नागरिकता देगा। मैं आंख के अंधे और कान के बहरे कांग्रेस के नेताओं को यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत कम अल्पसंख्यक बचे हैं, जो पहले वहां थे वो कहां गए? पाकिस्तान में उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से वे भारत आना चाहते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं यह किसी को नहीं दिखता। पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमला हुआ। मैं विपक्षियों को कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आवाज समझिए, वरना जितने बचे कुचे हो वो भी खत्म हो जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के बेलूर मठ से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध पर फिर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। उन्होंने कहा ये कानून रातों रात नहीं बनाया गया, बल्कि महात्मा गांधी भी ऐसा चाहते थे। पीएम ने कहा कि इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो बात यहां बैठे बच्चों को समझ में आ गई वह बात राजनीतिक खेल खेलने वालों को समझ में नहीं आती। पीएम ने कहा कि दरअसल वे इसे समझना ही नहीं चाहते।
समुद्र तट के विकास के लिए सागरमाला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ये मानती है कि हमारे कोस्ट विकास के गेटवे हैं, इसीलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत करीब 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 650 प्रोजेक्ट्स की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहेब अंबेडकर को भी याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहेब दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहेब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। इन दोनों व्यक्तित्वों ने देश के संसाधनों की शक्ति को समझा था, उसे देश की जरूरतों के मुताबिक उपयोग करने पर जोर दिया था। यही कोलकाता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि भारत की वाटरवेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए, इसमें सिंचाई, बिजली और यातायात जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए। साथियों, भारत के विशाल समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। दुनिया में समुद्र तट से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लैंडलॉक कंट्रीज अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करते हैं। पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी। पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता का ये पोर्ट भारत की औद्योगिक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का प्रतीक है। ऐसे में जब ये पोर्ट 150वें साल में प्रवेश कर रहा है तब इसको न्यू इंडिया के निर्माण का भी एक प्रतीक बनना आवश्यक है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की देश की इसी भावना को नमन करते हुए मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकीकरण के प्रेरणा बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मध्य प्रदेश के दो कांग्रेस विधायकों ने बड़े बयान दिए हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों से दुखी होकर लोगों को अगर भारत में सुविधाएं मिलती हैं तो उसमें बुराई क्या है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर सीए का विरोध करने वालों को सलाह दी है कि नागरिकता संशोधन कानून की राजनीति बंद करो। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों के दुखी लोगों को अगर भारत में सुविधाएं मिलती हैं तो इसमें बुराई क्या है। विधायक के इस जवाब पर जब सवाल उठाया गया कि इसका अर्थ यह हुआ आप सीए का समर्थन करते हैं,
तो डंग बोले कि सीए और एनआरसी को अलग अलग देखने की जरूरत है। डंग ने कहा कि एनआरसी के नाम पर कई पीढ़ियों से जो लोग रह रहे हैं उनसे प्रमाण मांगना गलत है। एक सवाल के जवाब में डंग ने कहा कि पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व मैंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, अब सीए और एनआरसी को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। सीए व एनआरसी दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, जिन्हें एक रूप में नहीं देखा जा सकता। लोगों को इनकी पूरी जानकारी नहीं होने से भ्रमित हो रहे हैं। केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर कर दोनों मुद्दों को अलग अलग परिभाषित करे। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, CAA जो अगर कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अगर कोई साथ वहाँ पर दुखी है और यहाँ पर अगर उसको सुविधा मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और NRC के नाम पर जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके दादा पिताजी यहाँ पर रहते हैं और उनसे अगर प्रमाण पत्र मांगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जबकि वो यहाँ पर जन्मों से जन्म यहाँ पर ही रह रहे हैं। इसको दो ही को अलग अलग तरीके से देखा जाए नहीं, इसमें दो अलग तरीके से देखा जाएगा। ये राजनीति जो चल रही है कहीं ना कहीं ये दो ही को मिला के देखा जा रहा है, जबकि CAA अलग चीज है, NRC अलग चीज है। इधर सीए को लेकर लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर विरोध करने वालों को सलाह देते हुए कहा कि नागरिकता कानून की राजनीति बंद करो। राजगढ़ जिले के चांचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे रोजगार की व्यवस्था करो, रस्सी को ज्यादा खींचने से वो टूट जाती है। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह ने इससे पहले 13 दिसंबर को भी ट्वीट कर सीए पर कहा था कि संसद में कानून पारित हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी बयान व्यर्थ है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्वालियर में कहा कि कांग्रेस को आज भी शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर महसूस नहीं होता है। देश के अंदर लगातार घुसपैठ से आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद को पनपाने वालों की वकालत कांग्रेस और सहयोगी दल कर रहे हैं। आपातकाल लाकर जिस कांग्रेस ने संविधान का चीरहरण किया था, जिन लोगों ने खुद संविधान का गला घोटा था, लोकतंत्र को रौंदकर एक परिवार के हाथ गिरवी रखने का काम किया था, वही आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जनगणना मंच द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सभा एवं रैली का आयोजन किया गया। सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के नेता और सहयोगी दल कहते हैं कि वे अपने राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। क्या यह देश के संविधान को चुनौती नहीं दी जा रही है? क्या कांग्रेस एक बार फिर देश के संविधान का गला घोटने का काम नहीं कर रही है? योगी की सभा के बाद शहर में सीए पर जागरूकता रैली निकाली गई, इसमें हजारों लोग शामिल हुए। योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में कांग्रेस समेत विपक्ष ने देश में आगजनी, तोड़फोड़ और अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित कार्य किया है। इसीलिए देश की जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए हम सबको जनता के बीच आकर वास्तु स्थिति से अवगत कराना पड़ा है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं ये नागरिकता कानून नागरिकता देने का कानून है, किसी के नागरिकता को देने वाला कानून नहीं है। आखिर जो कानून नागरिकता देने का कार्य कर रहा हो उसके नाम पर इतनी बड़ी गलत फहमी और भ्रांति पैदा करने के लिए किस हद तक जाकर के कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये आप सबने पिछले लगभग एक महीने से पूरे देश के अंदर कांग्रेस और गैर जिम्मेदार विपक्ष के द्वारा की जा रही कारस्तानी आप सबने देखी होगी, उसे महसूस भी किया होगा। दूसरी बात, ये नागरिकता कानून किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का विरोधी नहीं है।
योगी ने कहा नागरिकता कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। यह भारत के हित में और 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते की उस कड़ी को आगे बढ़ाने का परिष्कृत रूप ही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लाखों लोगों की हत्या जिस पाकिस्तान के नाम पर की गई, वह आज भी देश दुनिया के लिए नासूर बना हुआ है। इस नासूर का जनक जिन्ना है। उन्होंने कहा कि लोगों का कहना था कि राम मंदिर पर फैसला आएगा और खून की नदियां बहेंगी। इस पर मैंने कहा था कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने से पूरे शहर की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए हैं। यह आग शनिवार रविवार की दरमियानी रात राजधानी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 स्थानों पर लगी है। यह कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। सवाल ये उठता है कि किस असामाजिक तत्व और शरारती तत्व का ये काम है। भारत माता चौराहे के पास बस डिपो में 2 लाल बस आग लगने से खाक हो गई। चूना भट्टी चौराहे पर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन जल गए। और सबसे बड़ी बात, गोविंदपुरा में 2 दिन पहले जिस गुटखा फैक्ट्री के एक कार्यालय को ईओडब्ल्यू ने छापा मारकर सील किया था, वो भी पूरा जल गया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात राजधानी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 स्थानों पर आग लगी। आग लगने की घटना से लाखों का नुकसान हुआ। पहली घटना, देर रात भारत माता चौराहे के पास बस डिपो में 2 लाल बसों में आग लगने से वो खाक हो गई। दूसरी घटना चूना भट्टी चौराहे पर हुई। यहां करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन जल गए। वहीं तीसरी घटना गोविंदपुरा में 2 दिन पहले जिस गुटखा फैक्ट्री के कार्यालय को ईओडब्ल्यू ने छापा मारकर सीलबंद किया था, वो भी पूरा जल गया। जानकारी के अनुसार तीनों ही स्थानों पर अलग अलग संदिग्ध कारणों से आग लगना बताई जा रही है। देर रात फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, तब तक आग से तीनों ही जगह सब कुछ जल चुका था। इधर चूना भट्टी इलाके में दोपहिया वाहनों के आग लगने के बाद आक्रोशित लोगों ने सुबह चक्का जाम कर दिया। रहवासी एसडीएम को मौके पर बुलवाने की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस चक्का जाम खुलवा पाई। पुलिस चूना भट्टी में जिस स्थान पर घटना हुई वहां के सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों बसों में एक साथ आग लगना संदेह पैदा कर रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को 3 गुटखा कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की गई थी। इसमें इन तीनों गुटखा कंपनियों के कारखानों में 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का मिलावटी सामग्री और गुटखा बनाने की मशीनें बरामद की गई। 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी पता चला था। बाल मजदूरी कराने की बात भी सामने आई थी। अब इसी में से एक के कार्यालय में आग लगने की घटना भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग से कार्यालय में रखे सभी दस्तावेज जल गए हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि आग क्यों लगी, किसने लगाई, या कुछ छुपाने के लिए एक जैसी कई घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया गया। नेशनल जंबोरेट के समापन के बाद शनिवार की रात 10 बजे ट्रेन के इंतजार में स्टेशन में खड़े नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के 11 छात्र छात्राएं ठंड की चपेट में आकर बेहोश हो गए। उन्हें देखकर महिला कर्मचारी ने आरपीएफ और जीआरपीएफ को जानकारी दी। इसके बाद सभी को रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सेगरसा मैदान में 6 दिवसीय भारत स्काउट एंड गाइड्स का अखिल भारतीय जमोरेट आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित अन्य जोन के 1000 से अधिक स्काउट एंड गाइड्स के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मेजबानी में 19वें स्काउट गाइड्स एंड नेशनल जमोरेट का समापन शुक्रवार को हुआ। इसके बाद विभिन्न जोन से आए स्काउट्स एंड गाइड्स की रवानगी शुरू हुई। शनिवार की रात 11 बजे नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के 100 स्काउट्स एंड गाइड्स सारनाथ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। वे प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बीते 2 दिन से मौसम बदलने के कारण छात्र ठंड का शिकार हो चुके थे। इसी दौरान अचानक छात्र छात्राएं प्लेटफॉर्म में बेहोश होने लगे। आधे घंटे के भीतर ही 11 छात्र ठंड की चपेट में आकर
बेहोश हो गए। इससे रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया। ड्यूटी कर रही महिला गार्ड ने इसकी सूचना आरपीएफ और जीआरपी को दी। इसकी सूचना रेलवे के आला अधिकारियों और आयोजन समिति को भी दी गई। तत्काल बच्चों को रेलवे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और इसकी खबर जिला प्रशासन को भी दी गई, जिससे प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई। डॉक्टरों ने छात्र छात्राओं की जांच के बाद ठंड से बीमार पड़ने की जानकारी दी, साथ ही बताया कि वे पहले से ही ठंड की चपेट में आ चुके थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है, एक छात्र ज्यादा बीमार है। घटना की सूचना छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मिली तो वे खुद बीमार बच्चों से मिलने पहुंचे, साथ ही शहर के विधायक शैलेश पांडे और दूसरे जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे। टीएस सिंहदेव ने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए। स्काउट्स और गाइड्स के लिए बच्चे आए थे कैंप में, वो अस्पताल में भर्ती हैं और तबीयत कुछ खराब है। यहाँ आ रहा था तो उन्होंने भी चाहा कि आके उनको देख लें, स्थिति देख लें बच्चों की, तो संतोषजनक दिख रहा है स्थिति। डॉक्टर साहब लोग ने भी बताया कि पल्स ठीक है, उल्टी दस्त नहीं हो रहे और बीपी भी ठीक बता रहे हैं, तो स्थिर हो गए हैं बच्चे। लगता है कि ठंड से या कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो गया, बीच में दो तीन बारिश भी हुई थी तो बारिश में भी टेंट गीला हो गया होगा उनका, और बारिश के बाद ठंड बढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं ठंड लग गई हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि कपकपी है बच्चों को और उसके अलावा बाकी कुछ बहुत गंभीर स्थिति अभी नहीं दिख रही है, तो उपचार समय पर हो गया, लगता है कि बच्चे अच्छे होके चले जाएंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों और डॉक्टरों के साथ बैठक कर सिंहदेव ने मलेरिया, जापानी बुखार, डायरिया को खत्म करने के लिए डॉक्टर से चर्चा की और कहा अस्पताल में मरीज को हर किस्म का इलाज मिलना चाहिए। टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का अभियान चलाए हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के उपकरण, मशीनों और हर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद अब राज्य में कई बीमारियों को जड़ से समाप्त करने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों सहित चार जिलों के मेडिकल ऑफिसरों की बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मलेरिया, जापानी बुखार, डायरिया जैसी बीमारियों को प्रदेश से जड़ मूल समेत कैसे खत्म किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज के आने के बाद उसे इलाज के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, अस्पताल में ही उसे हर स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी और ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में ही हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश कैबिनेट के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान जिले के सीतापुर गांव में मंत्री ने गौशाला का लोकार्पण किया, साथ ही गांव में सड़कों का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद रीवा जिले में एक साथ एक ही जगह पर 72 गायों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा जरूर था कि प्रदेश के तमाम गांवों में गौशाला बनवाई जाएगी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से इतनी तादाद में गायों की मौत ने सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। इतनी गायों की मौत के बाद अब रीवा जिले के अधिकांश गायों में गौशाला बनवाने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिले के सीतापुर गांव में कृष्णा गौशाला का लोकार्पण किया। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 27,62,000 लागत में आवारा मवेशियों के रहने के लिए यह गौशाला बनवाई गई है। इसके अलावा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए हो रहे सड़क निर्माण का भी भूमि पूजन किया। 5 करोड़ की लागत से यहाँ पे आपका चाहे वो जो गौशाला बन के तैयार हुई, जिसका आज लोकार्पण हुआ, इसके अलावा गौशाला का भूमि पूजन भी हुआ है,
तीन गौशालाओं का भूमि पूजन हुआ है। सुदूर सड़क संपर्क योजना के तहत आपके सड़कों के निर्माण का भी पीसीसी सड़क निर्माण का इस तरह पौने 5 करोड़ के आसपास की लागत का यहाँ पे आज जो भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है उसके लिए क्षेत्रवासियों को हम बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं संबंधित पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के चाहे आरईएस से संबंधित हों और चाहे अन्य जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं इनका समय सीमा में निर्धारित करके निर्माण कराएं जिससे जनहित में समय पे हमारे ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल सके। सिंगरौली में अनियंत्रित यातायात की वजह से कई लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और संभावित दुर्घटनाओं को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक रैली निकालते हुए लोगों को दुर्घटना से बचने के लिए संदेश देकर जागरूक किया। सिंगरौली जिले में भारी वाहन चलाने और लोगों के यातायात नियमों का पालन न करने के कारण कई लोग असमय हादसे का शिकार हुए हैं। यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ होते ही लोगों को बाइक रैली निकालकर जागरूक करने का प्रयास किया। पुलिस ने एसपी ऑफिस से यातायात रथ और मोटरसाइकिल रैली निकाली जो मुख्य मार्गों से होती हुई वापस एसपी ऑफिस पहुंची। इतनी सुरक्षा उनके स्वयं के लिए जरूरी है, इतनी ही सुरक्षित जीवन उनके परिवार के लिए भी। तो मैं एक परिवहन मंत्री के नाते सबसे आग्रह करूंगा कि हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं। इन सब चीज़ों से आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अभी वर्तमान समय में जो अपनी सड़क सुरक्षा सप्ताह होती है वो आज से आरंभ हो गया है। इसी के आरंभ होने के उपलक्ष्य में आज हमने एक हेलमेट रैली निकाली है जिसमें पुलिस के जवान, हमारे ट्रैफिक के जवान, थानों के जवान, इनके साथ ही जो अन्य लोग हैं जो इस शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी इस रैली में शामिल हुए हैं। आपने देखा कि एक बड़ी रैली है जो शहर के बीचों बीच और अन्य स्थानों से भी गुजरी हुई है और साथ ही हम मोरवा में भी इसकी ऐसी ही रैली जो है निकट भविष्य में निकालने वाले हैं जिससे कि लोगों में ट्रैफिक के संबंध में अवेयरनेस फैले, लोगों में जागरूकता फैले ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। भोपाल के नजदीक एक तेंदुए का शव मिला है। घटना मनी गुराड़िया गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी की है। तेंदुए की पीठ पर चोट के निशान है, उसके शिकार की आशंका है। इससे एक महीने पहले भोपाल के जंगल में शिकारियों ने फंदा लगाया था, उसमें एक बाघिन फंसने से जख्मी हो गई थी। सीहोर के बीरपुर जंगल में अभी भी उसकी खोजबीन की जा रही है। इसी बीच तेंदुए के शव मिलने की घटना ने भोपाल के जंगल व आसपास के क्षेत्रों में शिकारियों के सक्रिय होने की तरफ इशारा किया है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बदबू आ रही थी। कुछ लोगों ने खोजबीन की तो पता चला कि तेंदुआ मरा हुआ है। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। समर्धा रेंजर एके झंवर ने तेंदुए का शव मिलने की पुष्टि की। मृत तेंदुआ मादा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के आसपास पूर्व में भी तेंदुए देखे गए हैं लेकिन क्षेत्र में कभी मौत नहीं हुई और न ही शिकार से जुड़ा कोई मामला सामने आया। पहली बार तेंदुए का शव मिला है। हालांकि समर्धा रेंज के जंगल में कुछ साल पूर्व बाघ का शिकार हुआ था। बाघ के शव के अलग अलग टुकड़े कर छुपा दिए गए थे। उद्योगपति प्रवीण सोमानी के गायब होने के 52 घंटे बाद दरसिवा पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। लगातार 2 दिन की पड़ताल में पुलिस को सोमानी के खुद से अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कारोबारी का ना तो कारोबार से संबंधित लेन देन का कोई विवाद था और ना ही कोई पारिवारिक झगड़ा। पुलिस ने मान लिया है कि कारोबारी का किसी पेशेवर गिरोह ने अपहरण किया है। पुलिस अफसरों को भी प्रवीण के अचानक गायब होने के पीछे कोई वजह समझ नहीं आ रही है। पुलिस का मानना है कि आमतौर पर पेशेवर ग्रुप पीड़ित के वाहन का उपयोग नहीं करते। वे जानते हैं कि गाड़ी से वे पकड़े जा सकते हैं। इस वजह से कारोबारी की कार उनके बिजनेस पार्टनर के परसुली डीही स्थित ऑफिस के सामने छोड़कर चले गए। हालांकि परिजनों या किसी दोस्त को फिरौती को लेकर कोई फोन नहीं आया। इससे भी पुलिस की जांच उलझ गई है। अपहरण करने का मकसद पुलिस को समझ नहीं आ रहा है। सीएसपी उरला अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पहले गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर कारोबारी की तलाश की जा रही है।
52 घंटे बाद भी कारोबारी का पता नहीं चला तो पड़ताल के बाद बलपूर्वक अपहरण का केस दर्ज किया गया है। पुलिस को पड़ताल के दौरान कुछ अहम क्लू मिले हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है। एक संदिग्ध कार कैमरे में दिखाई दी है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। भोपाल नगर निगम के यूथ कार्यक्रम में भोपाल के 3 युवा अफसर गाना गाते नजर आए। डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर तरुण पिथोड़े और नगर निगम आयुक्त वी विजय दत्ता ने जब मंच से गीत गाया तो लोग भी उनके साथ गीत गुनगुनाने लगे। भोपाल के 3 युवा अफसरों की तिकड़ी एक बार फिर अपने ही अंदाज में नजर आई। डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर तरुण पिथोड़े और निगम आयुक्त वी विजय दत्ता ने एक साथ गाना गाया। इरशाद वली ने अभिनेता आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर के टाइटल सॉन्ग को गाकर समा बांधा। ये आयोजन मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूमने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।